नमस्कार बच्चों, आज हम क्या है कक्षा 11 का हिंदी का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, नमक का दरोगा। हमारे जो नया पाठ्यक्रम आया है कक्षा 11 के अंदर, उसमें दो बुक्स आई है, वितान और आरोह। जो ये लेसन है ये आरोह का पहला चैप्टर है जो हम क्या है शुरू करेंगे। इस लेसन में हम सबसे पहले क्या है प्रेमचंद जी पर क्या है चर्चा करेंगे, उनके थोड़ा सा जीवन के बारे में जानेंगे, फिर उस कहानी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम था अजय राय मुंशी, जो कि क्या है डाक विभाग के अंदर कार्य करते थे। इन्होंने क्या है धीरे धीरे अपनी परीक्षा पूरी की। परीक्षा पूरी होने के बाद इन्होंने क्या है लिखना प्रारंभ, अपनी रचनाओं का लेखन प्रारंभ किया। और इनका एक मूल नाम जो था मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय। ये क्या है धनपत राय थे, लेकिन जब इन्होंने लेखन शुरू किया वो उर्दू में लेखन शुरू किया था और उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लेखन किया करते थे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या है उस समय का ध्यान रखते हुए इन्होंने क्या है सोजे वतन एक रचना लिखी, जिसको क्या है उस समय जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने उस सोजे वतन को क्या है जब्त कर लिया। सोजे वतन को जब्त कर लिया और उन्होंने क्या है नवाब राय को ये कहा कि अब ये तुम्हारा जो आर्टिकल तो आपने लिखा है ये ना तो अखबारों में छपेगा और ना ही इसकी भित्तियां जो है और छपेंगी और आपको क्या है अपना लेखन कार्य भी बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ से इन्होंने क्या है कि नवाब राय का नाम छोड़कर ये प्रेमचंद जी के नाम से क्या है इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। तो प्रेमचंद जी के नाम से जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो इन्होंने क्या है कई रचनाएं लिखी, जैसे सेवा सदन, निर्मला। इसी प्रकार इनके जो उपन्यास थे गबन, कर्म भूमि और गोदान। अब गोदान का आपने जैसे 8वीं कक्षा में पहले लेसन पढ़ा है, इस प्रकार क्या है इनका लेखन कार्य चलता गया। लेकिन इन्होंने क्या है अंतिम जो इनका था उपन्यास था मंगलसूत्र जो है इनका अंतिम उपन्यास था जो क्या अधूरा ही रह गया था। और इस मंगलसूत्र को जो है उनके पुत्र अमृत राय ने क्या है पूरा किया, उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। और इस प्रकार प्रेमचंद जी की मृत्यु 1936 को ईस्वी में हुई। इस प्रकार इनका रचना काल रहा। ये थोड़ा सा उनके बारे में जीवन परिचय था। और जैसे हमने आपने 8वीं में जो सुभागी लेसन है वो गोदान से भी इनका जो गोदान उपन्यास है उससे क्या है एक अंश लिया गया है सुभागी वाला। तो इस प्रकार से आपने 8वीं में ये पढ़ा था। इस प्रकार ये इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब है नमक का दरोगा कहानी। नमक का दरोगा कहानी जो है उसके मुख्य दो पात्र हैं, एक तो है मुंशी वंशीधर और एक है पंडित आलोपीदी। यानी ये दो मुख्य पात्र हैं। इनमें इसके अंदर इस कहानी का जो है कि धन के ऊपर क्या है हमेशा धर्म की क्या हुई है विजय हुई है। इस प्रकार से ये कहानी है, ये इसके मुख्य पात्र हैं दो। और ये एक नमक का
का व्यापार होता है जिसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए हर किसी में होड़ लगी रहती है। लेकिन कुछ ऐसे जो अधिकारी होते हैं जो धर्म के लिए डटे रहते हैं, रिश्वत वगैरह नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार की ये कहानी है जो हम क्या है अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।